यही टूट गई है यार, ये देखो। शिट ब्रो, शिट। सो बंदो आ चुके हैं लेह मनाली हाईवे पे और बहुत ही तगड़ा लग रहा है। पांग है 34 किलोमीटर यहाँ से और इतने दिन बाद ऐसा हाईवे देख के तो सीरियसली मज़ा ही आ गया यार। देखो कोई भी नहीं है हाईवे पे और बढ़िया मज़े आ गए। 900 किलोमीटर्स ऑफ रोड पूरी चलाई है उसके बाद ये हाईवे मिला है। तो चलो चलते हैं अब हाईवे की तरफ। तो बंदो आ चुके हैं लेह मनाली हाईवे पे, देखो कितना सुंदर लग रहा है और स्नोफॉल हो रही है। पता है शायद कैमरा में आए या ना आए लेकिन स्नोफॉल हो रही है हल्की हल्की। फटाफट क्रॉस करना है बस आज। बारा ला चला, मोर एयरप्लेन्स आ चुका है। यू आर ड्राइविंग ऑन मोर एयरप्लेन्स। मोरे भाई तेरे प्लेन आ गए। डॉगी भी तो यार उनके साथ बहुत सही। आजकल बहुत सारे लोग डॉगीज के साथ ट्रैवल करते हैं यार। जो हमें मीराक में मिले थे फॉर्च्यूनर वाले बंदे, वो लोग भी, जर्मन शेफर्ड था उनके पास, मार्शल नाम का, बहुत सही। क्या तो रोड है यार, सीरियसली बहुत मजा आ रहा है। वाह यार बहुत ही तगड़ा रोड है। और बस ऐसी चीजें आ जाती हैं तो आराम से, नहीं तो कोई भी फिका सकता है यहाँ पे। सबसे मेन प्रॉब्लम ही ये है लेह मनाली हाईवे का, तो इसलिए बहुत आराम से रोड पे नज़र गड़ा के रखो। रोड अच्छी है तो सब तेज़ चलाते हैं, ऐसी चीज़ें आ जाती है बीच में, तो आप बहुत आराम से ही चलाओ, इजी, कोई जल्दी नहीं। थोड़ा सा जल्दी रुकेंगे तो भी क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। सो बंदो देखो नीचे रोड कैसे कर्व हो रहे हैं पूरे, बहुत आराम से चलानी पड़ेगी। सामने से गाड़ियां आती है तेज एकदम और हवा भी काफी तेज है, तो नीचे उतर रहे हैं जल्दी से। नीचे है पांग 5 किलोमीटर्स पे, तो कर दिया है पांग क्रॉस। अब ऐसे ही घाट और ऐसी ही रोड चलेगी, सिंगल बस बनी हुई है वो बहुत अच्छी बात है। पहले तो ये भी टूटी हुई थी, पीछे जैसी होती है। बस आज कर दें हम सरचू और बारा लाचला क्रॉस, आज का बढ़िया हो जाएगा सीन। किलोंग या फिर कहीं भी पहुंच जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। और बहुत खतरनाक ब्रिज हो रहा है यार ये तो, बाप रे बाप रे, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं यार। और ट्रक्स ऐसे आते हैं ना एकदम तेज, जगह भी नहीं होती। निकल जाने देते हैं ट्रक्स को। देखो कितने तेज जाते हैं यार, जरा भी ब्रेक नहीं लगाते। ओहो बस ऐसी तो फसावट होती है, दो ट्रक्स जहां आ गए वहां सीन हो जाते हैं। वो बड़ी मुश्किल से निकालेगा रिवर्स करके, तो 57 बचा है सरचू और बहुत बड़ा सा जाम लगा हुआ है यार। ओहो गंदी फसड़, क्या नहीं उतर जा अभी तू,
तो हमारी बाइक्स निकल रही हैं, थोड़ी मुश्किल से जाएगी। भाई के ट्रायम के पैनियर्स हैं, अच्छा वो हमारे लिए भी रास्ता बना दिया उसने। जय हिंद सर। ये पैनियर्स बहुत ही चौड़े लगा रखे हैं यार भाई ने तो। हम लोग पहुंच गए लाचुंगला, जो है 16 फीट पे हाइट। वैसे यहाँ पे कार चलाने में इतना टफ नहीं लगा था जितना बाइक में लग रहा है, जगह ही नहीं दे रहे हैं यार लोग, कार देख के रुक जाते लेकिन बाइक देख के तो आते देते हैं, एकदम सब भागते हैं। और बहुत ऊपर चढ़ना है हमको, तो इतनी गजब की ठंड हो चुकी है ना, ऐसी हवा चल रही है, हो सच में ग्लव्स के अंदर से चीरती हुई जा रही है हवा एकदम। और हो ओ सॉरी, तो स्टार्ट हो चुके हैं गाता लूप्स और बहुत सारी कैचियाँ हैं, बहुत सारी, पूरी नीचे तक पूरी लूप्स ही लूप्स है। ये देखो अगर दिखे तो, इसमें शायद नहीं दिखेगा। और यहाँ भी हैं शॉर्टकट्स वैसे ही एक से दूसरी, बट लेना बहुत ख़तरनाक है इधर तो बहुत। तो गाइस बहुत ही बुरा वाला कांड हो गया है, ये पूरी टूट गई है, शिट ब्रो निकालो इसको। हद्दे यार भाई, यार फक हो गया अपने साथ, अब हट जा। पैनियस तो ठीक है, मेरे को ये बता कि तू इसको लेके बैठ सकता है। मैं इसको लेके बैठ सकता हूँ हाँ, लेकिन देखो ऑफ रोड बहुत देख के करना पड़ेगा। हाँ क्योंकि मैं एकदम पीछे जाऊँगा। अब वो तो क्या होगा कि अपने को मनाली में सिर्फ वही मिलेगी रेलिंग, बहुत बड़ा सीन हो गया है अब। एफिडसन क्या, 2 मिनट का पूरा सामान अपन खाली करते हैं, बहुत स्पेस है। हाँ और फिर इसको पकड़ता हूँ मैं, बहुत इजीली इंदौर तक ले आऊँगा। इंदौर तक तो नहीं, पहले खाली करते हैं अपन, समझते हैं। आज भले सरचू रुके लेकिन अब करना तो पड़ेगा क्योंकि सीन हो गया अब तो। ऐसे कैसे टूट गई यार एकदम से, दोनों साइड से गई भाई। हाँ वो तो पूरी चेंज होगी भाई, लेकिन अपना ये अच्छा हो गया आज बैग बहुत हल्के हो गए, अच्छा है भाई। हाँ सही है, बहुत अच्छा किया भाई। इसको तो निकाल रहे हैं, हाँ ना अटक गया क्या कहीं, इसको निकाल दो, रुक जा। पूरी यही टूट गई है यार, ये देखो, शिट ब्रो शिट। इसका क्या होगा, इसकी तो वेल्डिंग भी, वेल्डिंग नहीं होगी भाई अब इसकी, नहीं हो सकती है, हो सकती है और स्ट्रांग होगी। अबे ये वेल्ड हो जाएगा तो वो भी नहीं होगा, नहीं पूरा ये चेंज हो जाएगा ना। क्या ये पूरा वेल्डेड है, नहीं है ना, कहाँ से ये पूरा निकल जाता है इतना हिस्सा, और ये पीछे का चेंज हो जाता है। ठीक है तो फिर यही पूरा चेंज आएगा। सो बंदो हो गया है कांड, पूरी फ्रेम टूट गई है, दिखाओ ज़रा पीछे से, ऐसे बांधा है टॉप बॉक्स को बड़ी जुगाड़ से और उसका सारा सामान डाला है, टैंक बैग और उसमें एडजस्ट किया है, बहुत मुश्किल हो गई। अब देखते हैं ये कहाँ ठीक होगी, या तो रिपेयर तो नहीं होगी है,
आई थिंक पूरी नई ही लेनी पड़ेगी और वो होगा मनाली में। तो लेट्स सी, पहुँचते हैं मनाली अब जल्दी से, मतलब आज तो पहुँचते हैं जितना पहुँच पाएंगे, लेट्स गो। वापस से हो गया ब्रेक डाउन, हमारा जो टॉप बॉक्स था उसकी रैक टूट गई, तो बड़ा सीन हो गया यार। अब वही समझना पड़ेगा, वैसे तो सिर्फ एक 12 लाचल आई है, लेकिन उसको उस टॉप बॉक्स को मोंटी ने अभी टांग रखा हुआ है, तो वो बड़ा टेंशन का सीन है। उसका पूरा सामान तो खाली कर दिया, काफ़ी लाइट वेट ही है, बट फिर भी देखना पड़ेगा कि क्या करें, जो होगा मनाली पहुंच के ही होगा मेरे ख्याल से। तो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ब्रेक लगा था ना, हाँ एकदम से पीछे आएगा। क्या एकदम से ब्रेक पीछे आएगा ना? हाँ ज्यादा नहीं जाए, मतलब एकदम से स्पीड देगा ना। अच्छा स्पीड देता हूँ, ठीक है ठीक है, हाँ समझ गया। ब्रेक लगाने में कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये रास्ता देखो कितना गंदा आ चुका है, और अब मोंटी को पूरा टॉप बॉक्स पहन के ही जाना पड़ेगा। आ जाएगा आ जाएगा। बाप रे क्या रोड है, तो रेती तो बहुत ही गंदी है यार, ये पूरे जूते के अंदर चली गई है। आजा, उधर चल उधर। मोंटी या तो तू बैठ जा। ओके चले जाएंगे धीरे धीरे। और ये तो देखो क्या हालत हो रही है यार सरचू के जाने के रास्ते की। शिट, थोड़ा डेंजरस है यहाँ से, निकल गई। इतनी ज्यादा धूल 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 कर दी है ना ट्रकों ने। क्या तो रोड की हालत है, तो हम थोड़ा रुक गए, नहीं तो वो तो पूरे उसमें था। ये पूरी रोड बन रही है और ऐसी धूल वाली रोड कर दी है ना, ट्रक वाले तो बढ़िया भगाते हुए जाते हैं। वहीं पे एक बार अपन पूछ लेंगे कि भैया वेल्डिंग हो जाएगी क्या, अगर हो जाती है तो अपन टेम्प्ररी करवा लेंगे, और उसमें कुछ सामान नहीं रखेंगे। बाप रे, क्या तो धूल है यार, और आगे बहुत सारे ट्रक्स वेट कर रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ बंदो कि अगर कोई वेल्डिंग वगैरह वाला सरचू में हो तो उससे हम सिर्फ रैक को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, और उसमें सामान नहीं रखे तो शायद चल जाए। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा, मोंटी पे लोड कम आएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही मनाली जाना पड़ेगा कैसे भी करके, और फिर वहाँ पे
इस रैक को ही चेंज करवाना पड़ेगा। सो बंदो ये देखो रिवर क्रॉसिंग यार, वाटर क्रॉसिंग कितनी ज़्यादा खतरनाक हो रही है, पूरा पानी बह रहा है। और यहाँ दारू की दुकान खोल रखी है। चलो पत्थर तो लगा दिए हैं वैसे, तो शायद थोड़ा इजी होगा। बस आराम से चलना है। अबे टफ था बे, पैर में पानी चला गया। हाँ यार चल बैठ जा। तो हम लोगों ने क्रॉस कर दिया है सरचू, और सरचू के बाद बढ़िया रोड मिल गई है। थोड़ी सी वाटर क्रॉसिंग थी, वहाँ पैर गीला हो गया बस, बाकी बस बारह लाचला क्रॉस हो जाए बस। आज का तो यही था, और टॉप बॉक्स अलग निकल गया है। ये ट्रिप में पता नहीं क्या ही हो रहा है यार। पहले वो क्लच प्लेट क्लच केबल वाला सीन, और अब ये, इसको भी सॉर्ट करने में लग जाएगा टाइम, और टाइम वेस्ट भी होगा हमारा। लेट्स सी। सो बंदो क्लाउड्स देखो कितने सही हो रहे, और यहाँ वापस लग चुका है छोटा सा जाम। निकल जाते हैं यार। इतनी तेज हवा चल रही है ना, ओ हो, जिंग जिंग बार लिखा था 22 किलोमीटर, पता नहीं क्या होगा 22 किलोमीटर में। तो फाइनली 12 लाचला आ गया, इसने लगा दी। तो 12 लाचला से उतरते हैं अब नीचे। वैसे तो फोटो खिंचवाना था हमें, लेकिन भाई रहने दो, कभी और आ जाएंगे, लेकिन लेट नहीं होंगे आज तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो टॉप बॉक्स भी हाथ में है अब तो हमारे। यहाँ वापस से हो गई है गंदी वाली भसड़, जल्दी जल्दी निकले तो अच्छा है यार, बहुत ठंड लग रही है, हाथों में लग रही है बस मुझे वैसे तो। तो थोड़ी हो चुकी है रात, और जब तक शायद पहुंचेंगे तब तक पूरी ही रात हो जाएगी। तो कुछ ये कोलकाता के बंदे हैं, सॉरी केरला के, तो उनके साथ साथ चल रहे हैं यार। थोड़ा दम आ रहा है, जोश आ रहा है, नहीं तो ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। नीचे उतर रहे हैं फटाफट 12 लाचला से। तो रात में ऑफ रोडिंग प्लस वाटर क्रॉसिंग यार, ये तो बड़ा ही टफ चीज़ है। ओहो चलो दो तीन बाइकर्स हैं अपने साथ तो अच्छा है। एक आगे हिमालयन है, एक बुलेट है, वेरी नाइस। हम हैं जिंग जिंग बार के आसपास, तो बहुत सारा बाकी है यार किलोंग, तो 50 किलोमीटर अराउंड कुछ बाकी है, और उससे पहले देखते हैं क्या मिलेगा रुकने का रास्ता, वहीं रुक जाएंगे। वैसे अच्छी बात यह वाइट लाइन आ गई है, तो वाइट लाइन के सहारे चलते जाएंगे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो बंदो आज के लिए बस इतना ही, बहुत ज़्यादा खतरनाक एडवेंचर हो गया, मतलब आज तो टॉप बॉक्स को स्कूल बैग की तरह टांग के लेके आना पड़ रहा है, ऐसा एडवेंचर कर दिया हमने, और बहुत ही खतरनाक वाला। तो अभी तो ऑन रोड ही है, अराउंड 7 बज चुके होंगे,
डारचा भी अराउंड 6 to 4 किलोमीटर्स है और उसके आगे किलोंग थोड़ा सा ही है, तो पहुंच जाएंगे आज और फिर कल मिलते हैं आपको, बताते हैं कि क्या हुआ टॉप बॉक्स का हमारे, मतलब आपको सामने ही पता लगेगा कि क्या हो रहा है टॉप बॉक्स का, या तो वेल्डिंग करवाई जाएगी या फिर देखते हैं नया लेंगे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो आज के लिए बस इतना ही, टाटा, राइड सेफ एंड गुड नाइट। भाई ये रहा, तो बंदो फाइनली कंप्लीट कर लिया है सर्किट, यहाँ से आता है पूरा शिंकुला और जंस्कार वैली और यहीं से गए थे और इस सर्किट को पूरा कंप्लीट कर दिया है, मतलब प्राउडली यार। और टॉप बॉक्स लेके आ रहे हैं बांध के, यार मोंटी का एक्साइटमेंट एक नंबर। खुशी, अरे नेटवर्क भी मिल गया, वेरी नाइस।